हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी पी तभी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके जो रिश्तेदार होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, जो आपका रिश्ता होता है, उनको इंग्लिश में हम किन किन नामों से जानते हैं, और साथ ही साथ आपको हिंदी में भी उनके नाम बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेसिक्स के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है नेम ऑफ सोशल रिलेशंस, जो अपने सामाजिक रिश्ते होते हैं उनके क्या क्या नाम है, यहाँ पे हम करीब 20 आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है एडॉप्टेड डॉटर। देखिए, एडॉप्टेड का मतलब होता है गोद लिया हुआ, ठीक है, ग्रहण किया हुआ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे एडॉप्टेड डॉटर होगा तो उसका मतलब होता है गोद ली हुई बेटी या दत्तक कन्या, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। और दूसरा है एडॉप्टेड सन, मतलब दत्तक पुत्र या फिर गोद लिया पुत्र हम बोलते हैं। एडॉप्टेड जहाँ भी लगे उसका मतलब होता है गोद लिया हुआ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम, चाची को आंट कहते हैं, ठीक है, आंटी भी कहते हैं, ताई जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, है चौथा ब्रदर, ब्रदर मतलब होता है भाई। आगे चलते हैं, ठीक है, तो डॉटर होता है, ठीक, डॉटर मतलब होती है बेटी, और डॉटर इन लॉ का मतलब होता है पुत्रवधू या पतोह जिसे बोलते हैं गांव में, उसे हम कहते हैं डॉटर इन लॉ। फिर फादर, पिता, ये जनरल है। फिर फादर इन लॉ, ससुर को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर इन लॉ। उसके बाद ग्रैंड फादर, दादा या नाना को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। 11वां आता है आपका ग्रैंड मदर, दादी या नानी को हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड मदर, ठीक है। ग्रैंड फादर दादा या नाना दोनों के लिए यूज होता है, ग्रैंड मदर भी दादी या नानी दोनों के लिए यूज होता है। आगे चलते हैं, हस्बैंड, पति होता है हस्बैंड। उसके बाद होता है मैटरनल आंट, मामी को हम क्या कहते हैं, मैटरनल आंट। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार सो काम लगता है, तो मैटरनल आंट जो होता है उसको हम किसको कहते हैं, मामी को कहते हैं। और उसके बाद मैटरनल अंकल को हम मामा कहते हैं, ठीक है, याद रखिए, ये आपको काफ़ी जगह काम देगा। मैटरनल आंट को हम मामी कहते हैं और मैटरनल अंकल यानी मामा होते हैं। आगे चलते हैं, 15वां मदर, माता, ये कॉमन है, ठीक है। आगे चलते हैं, 16वां मदर इन लॉ, सास या सासू माँ को हम क्या कहते हैं, मदर इन लॉ, ठीक है। नेफ्यू क्या होता है, नेफ्यू, भतीजा या भांजा को हम क्या कहते हैं, नेफ्यू, ठीक है। नाइसी क्या होती है, भतीजी या फिर भांजी को हम क्या कहते हैं, नाइसी, ठीक है। और सिस्टर, बहन, ये कॉमन सा है। और सिस्टर इन लॉ क्या कहते हैं, बोलो, साली, साली या फिर जेठानी, देवरानी, नंद, जो भी होती है, इन सब को हम क्या कहते हैं, सिस्टर इन लॉ कहते हैं, ठीक, सिस्टर इन लॉ। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हुए चलते हैं, सिस्टर इन लॉ, साली और जेठानी या फिर ननद या फिर देवरानी को कहते हैं, सिस्टर बहन होती है, नाइसी भतीजी होती है या फिर वांची होती है, नेफ्यू को हम भतीजा या फिर भांजा कहते हैं, मदर इन लॉ को हम सास या सासू माँ कहते हैं, ठीक है। मदर माता होती है, मैटरनल अंकल मामा होते हैं, मैटरनल आंट मामी होती है, और हस्बैंड जो होता है वो पति होता है, ठीक। और ग्रैंड मदर दादी या नानी होती है, ग्रैंड फादर दादा या नाना होते हैं, फादर इन लॉ ससुर होते हैं, फादर जो होते हैं वो आपके पिता होते हैं, डॉटर इन लॉ पुत्र या पुत्रवधू या पतोह कहलाती है। आगे चलते हैं, एक और देख लेते हैं, डॉटर बेटी होती है, ये मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, ब्रदर भाई होता है, आंट चाचा या ताई होती हैं, एडॉप्टेड सन माने होता है गोद लिया पुत्र या दत्तक पुत्र, और एडॉप्टेड डॉटर मतलब होता है गोद ली हुई बेटी, ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और बताएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।